हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इस वीडियो में केवल एक ही टॉपिक कवर किया आज मैंने, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इंक्रीजेस। जब भी एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसके जाने की वजह से जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाता है। सपोज पहले तीन पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, एक पार्टनर वाई रिटायर हो जाता है फर्म से, तो जो प्रॉफिट पहले एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स में डिवाइड होता था, अब वही प्रॉफिट केवल दो पार्टनर्स एक्स और जेड में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनर वाई के जाने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स और जेड का प्रॉफिट का शेयर फ्यूचर में बढ़ जाएगा। इसलिए एक्स और जेड है गेनिंग पार्टनर्स, तो गेनिंग पार्टनर्स एक्स और जेड कंपेंसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर वाई को, क्योंकि वाई ने अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर दिया है रिमेनिंग पार्टनर्स को। कंपेंसेशन अमाउंट कितना होगा? कंपेंसेशन अमाउंट इज इक्वल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर वाई का गुडविल का शेयर जितना भी होगा वो उसको मिलेगा, और कौन देगा उसे? एक्स और जेड देंगे। किस रेशियो में देंगे? जितना एक्स और जेड को गेन हुआ है, मींस अपने गेनिंग रेशियो में वो कंपेंसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर वाई को। आइए देखते हैं कौन सी जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर। दो जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं गुडविल से रिलेटेड। पहली एंट्री है फॉर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये वो गुडविल है जो ऑलरेडी फर्म की बुक्स में असेट साइड में लिखी गई है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसके लिए एंट्री पास करनी है आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी पुराने पार्टनर्स थे, सपोज तीन पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, तो एंट्री लिखी जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस एंट्री को हमेशा पास किया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरी एंट्री रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल के लिए, इसके लिए एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स गेन करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स और जेड ने गेन किया, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर है वाई, वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आइए इसके लिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कौन सी एंट्रीज की जाएंगी। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Y retires, the goodwill of the firm is valued at rupees 90,000 and goodwill already appearing in the firm's book is rupees 60,000. Profit for the first year after Y's retirement was rupees 1 lakh. Give journal entries. तीन पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। वाई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। वाई के रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है, तो वो 90,000 निकली है। एंड गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, जो गुडविल ऑलरेडी फर्म की बुक्स में है वो है 60,000 रुपये। वाई के जाने के बाद पहले साल में एक्स और जेड की फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें तीन जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहली एंट्री पास करिए, देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एक्स कैपिटल डेबिट, वाईज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल 90,000 जो थी बुक्स में, सॉरी 60,000 जो थी बुक्स में, इसको हमने राइट ऑफ किया है ओल्ड रेशियो में। 60,000 ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, ओल्ड रेशियो 3:1, 30,000, 20,000, 10,000 ये हमने बांट के इसको खत्म कर दिया। सेकेंड एंट्री पास की गई है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है वाई रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल के लिए। ये देखिए वर्किंग नोट में समझाया हुआ है, दो वर्किंग नोट है। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन है। एक्स वाई जेड का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1, क्योंकि और कुछ नहीं मेंशन किया गया क्वेश्चन में,
तो वाई जब चला जाएगा तो एक्स और जेड के बीच में रेशियो कितना बचेगा, 3 और 1। जो रेशियो बच जाएगा 3 और 1, यही इनका न्यू रेशियो भी होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। दूसरा वर्किंग नोट बनाया गया है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कितने अमाउंट से की जाएगी वो कैलकुलेशन समझाई गई है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू की गई है 90,000 रुपए। जब वाई रिटायर हुआ फर्म की गुडविल वैल्यू की गई, ये देखिए द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। तो 90,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। रिटायरिंग पार्टनर वाई का शेयर 2/6, 90,000 का 2/6 किया 30,000। वाई को रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल के लिए 30,000 रुपीज मिलेंगे। ये 30,000 रुपीज वाई को कौन कंपेंसेट करेगा, एक्स और जेड विल कंपेंसेट 30,000 रुपीज टू वाई इन देयर गेनिंग रेशियो ऑफ 3:1। तो 30,000 रुपीज हैव बीन डिवाइडेड इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 3:1, हेंस एक्स विल कंपेंसेट टू वाई फॉर गुडविल। 30,000 रुपीज मिलने हैं वाई को, एक्स का गेनिंग रेशियो है 3/4, तो एक्स विल कंपेंसेट ₹22,500। जेड विल कंपेंसेट टू वाई, ₹30,000 मिलने हैं वाई को और जेड का गेनिंग रेशियो हमने देखा 1/4, ₹30,000 का 1/4 मीन्स ₹7,500। इसके लिए एंट्री ये हमने के लिए देखिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500 अभी जो कैलकुलेशन करी थी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 रुपये, गेनिंग पार्टनर्स एक्स जेड डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर वाई 30,000। थर्ड एंट्री हमने पास करी है शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, वो प्रॉफिट जो एक्स और जेड की फर्म ने कमाया वाई के जाने के बाद। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया 1,00,000 रुपए से। ये प्रॉफिट एक्स और जेड को मिलेगा इनके न्यू रेशियो 3:1 में, न्यू रेशियो में 3:1। तो इस 1,00,000 को 3:1 में डिवाइड कर दिया गया है, 75,000, 25,000। इसलिए तीन एंट्री करके ये क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन और करते हैं, ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। चार पार्टनर्स थे ए बी सी डी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 गिवन है। बी रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड टू बी 3:4:3। बी एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है और न्यू रेशियो बाकी बचे हुए पार्टनर्स में मींस ए सी और डी का न्यू रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3:4:3। एट द टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,00,000। बी के रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो वो 1,00,000 रुपए पता लगी। इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने से पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी है ओल्ड रेशियो भी है, सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो पता लगाना होगा। ये वर्किंग नोट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ए बी सी डी चार पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 4:3:1 क्वेश्चन में गिवन है। न्यू रेशियो ए सी डी का 3:4:3 ये भी क्वेश्चन में गिवन है। गेनिंग रेशियो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा गेनिंग रेशियो। एज गेन, ए का न्यू शेयर है 3/10, इसमें से हमें माइनस करना है इसका ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर है 4/10। सो 3/10 माइनस 4/10 माइनस 1/10। तो अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाएगा इसका मतलब कि उस पार्टनर को गेन नहीं हुआ बल्कि सेक्रीफाइस हुआ है। इसका मतलब बी के रिटायरमेंट के टाइम पर ए को भी सेक्रीफाइस हुआ है। बी तो रिटायरिंग पार्टनर है ही, उसको तो सेक्रीफाइस हो ही रहा है, ए को भी सेक्रीफाइस हुआ है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, ए और बी। सी का गेन, सी का न्यू रेशियो 4/10 माइनस सी का ओल्ड शेयर 2/10, तो बाकी बचा 2/10। सी को गेन हुआ है 2/10 का। डीज गेन, डी का न्यू रेशियो 3/10, डी का ओल्ड रेशियो 1/10, डी को भी गेन हुआ है 2/10। सो सी और डी आर गेनिंग पार्टनर्स,
and their gaining ratio is 2 by 10. 2 by 10 means equal. Gaining ratio of C and D is equal, 1 is to 1. Second working note samajhte hain. Calculation of amount to be adjusted on account of goodwill. Goodwill ke liye kitne rupaye se adjustment ki jayegi? Goodwill of the firm already given hai question mein 1 lakh rupaye. B retiring partner hai jiska profit mein share tha pehle 3 by 10. To B kyunki firm chhod ke ja raha hai to wo apne 3 by 10 share of profit ko bhi chhod ke ja raha hai. To isko itna hi amount ka compensation milega, 1 lakh ki goodwill mein इसका हिस्सा 3 by 10 means 30,000 rupees B को compensation मिलने वाला है. कौन देगा? Gaining partners देंगे. A को भी compensation मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि A को sacrifice हो गया था. A को कितना compensation मिलेगा? Total goodwill of the firm 1 lakh. इसमें A का share कितना sacrifice किया उसने? 1 by 10th. तो 1 lakh की goodwill का 1 by 10th 10,000 rupees. तो 30,000 की compensation for goodwill उसको मिलने B को मिलने वाली है और 10,000 rupees का compensation का amount A को मिलने वाला है और ये amount इन दोनों को कौन देने वाले हैं? Gaining partner C और D अपने gaining ratio 1:1. ये मैंने लिखा, देखिए C and D will compensate to A and B rupees 40,000. 40,000 कैसे? 30,000 B को, 10,000 A को. तो ये 40,000 इनको मिलने वाला है और C और D compensate करेंगे. किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में 1:1. मींस सी कितना कंपनसेट करेगा? 40,000 को अगर आप 1:1 में बांटिए तो कितना आएगा? रुपीस 20,000. तो सी और डी 20,000 रुपए कंपनसेट करेंगे और ये अमाउंट मिलने वाला है बी और ए को. अब इसके लिए जनरल एंट्रीज देखते हैं. गेनिंग पार्टनर्स हैं सी एंड डी. अभी हमने पता लगाया था गेनिंग पार्टनर सी एंड डी. इसके लिए एंट्री पास करी हमने गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, C's capital debit, D's capital debit to retiring partner or sacrificing partner. Sacrificing partner है A, 10,000 rupees मिलने, अभी calculate किया था हमने. B retiring partner, ये भी sacrifice कर रहा है, इसको कितना amount मिलना है? 30,000. तो ये 40,000 जो मिलना है A और B को, ये compensate किया जाएगा C और D के द्वारा अपनी gaining ratio 1:1 में, इसलिए 20,000. आज के वीडियो में इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बहुत हेल्प भी करेगा. थैंक यू.